सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर मैं जिस चीज को ओन कर रहा हूं, जिस फैमिली को ओन कर रहा हूं, क्या मेरी फैमिली के लोग मेरी बुराई कर सकते हैं? देखिए या करते हैं? क्या मैं जिस अखबार का मालिक हूं, जाहिर सी बात है वहां मेरे खिलाफ नहीं लिखी जाएगी चीजें, लेकिन क्या आप दूसरे अखबारों में उनके बारे में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? मैं जिस चैनल का मालिक हूं उस चैनल पे खबरें नहीं दिखाई जाती मेरे मुताल्लिक, लेकिन क्या दूसरे चैनल के जरिए उनके बारे में आपको पता चलता है या नहीं चलता है? इसका मतलब यह है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जर्नलिज्म सहाफत, उसमें इस तरह की चीजें आ गई, मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो इसके बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन में, आपके सवाल का जवाब भी है। कुरान के अंदर एक आयत है सूरह निसा में, सूरह 4 आयत नंबर 135, इसमें अल्लाह ताला ने कहा, ए ईमान वालों, खड़े हो जाओ इंसाफ के लिए गवाह बनकर, चाहे खुद के खिलाफ क्यों ना हो। यानी खुद का मीडिया हाउस है और इंसाफ की जो बात है, मतलब खुद के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे खुद के माँ बाप के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे अमीर के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे गरीब के खिलाफ क्यों ना हो, तो सच्चाई के लिए तो खड़े होना होगा। और यही तो बात है ना, यही तो रियल जर्नलिज्म है जो आई थिंक कमलेश जी बोलने की कोशिश कर रहे हैं।